हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्राफ्ट बाय दीपिका राठौर। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, बताते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं। अरे वाह, मौसम आज बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है। बज रहे हैं सुबह के 5। तो बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हरिद्वार, रामपुर से हरिद्वार जा रहे हैं। बच्चों की छुट्टियाँ हैं, घूमने का मन कर रहा था तो सोचा चलो गंगा स्नान करते हैं चल के। और बहुत अच्छा मौसम है, सुबह के 5 बज रहे हैं, तो फिर सुबह सुबह वैसे भी मौसम थोड़ा अच्छा रहता है। और बहुत मतलब बारिश हो रही है रास्ते में, खूब बारिश हो रही है, तो सफ़र अच्छा ही लगता है भाई जब मौसम अच्छा होता है तो। ये देखिए छमाछम बारिश, खूब बारिश हो रही है। और बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, कितनी सुंदर देवी माँ की मूर्ति है, बहुत अच्छी। देखिए चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति बन रही है ये। ये देखिए दुर्गे माता की मूर्ति, जय माता की, बहुत सुंदर मूर्ति है। वाह, धूप बहुत तेज लग रही है क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले हैं। तो आ गए माही रेस्टोरेंट, एक पड़ा है रास्ते में, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। ये देखिए स्टफ बटर पराठा आ गया है, बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। हरिद्वार के आसपास आ ही गए हैं, हो गई हरिद्वार में एंट्री। बाप रे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, पैर रखने की जगह नहीं है और गर्मी भी बहुत है। मेरे चेहरे से तो पता ही चल रहा होगा बहुत गर्मी हो रही है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, कहीं पार्किंग की भी जगह नहीं है, बहुत गर्म हो रहा है इस टाइम। खैर, गंगा मैया बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा, यहाँ स्नान करेंगे। ये देखिए कितना हर की पौड़ी, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर तो, बहुत मन बहुत अच्छा हो गया। खैर इधर आकर, भीड़ भाड़ बहुत है। देखिए दूर पर पहाड़ी पे एक मंदिर भी दिख रहा है, छोटा सा नजर आ रहा है, काफी दूर पर है इसलिए मुझे दिख रहा है। ये हर की पौड़ी बहुत सुंदर नजारा है यहाँ का। मंदिर दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये चंडी देवी या मनसा देवी जी का मंदिर है, तो चंडी देवी जी का मंदिर लग रहा है जो कि दिखता है हरिद्वार की गंगा के पास से, तो ये वही ये मंदिर है। हम लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। वहां पर ये तिलक लगाने के लिए काफी लोग घूमते होते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वहाँ तिलक लगवाया। उसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी आगे, प्रसाद वगैरह चढ़ाऊंगी। देखिए सुंदर सा त्रिशूल बना करके, अब आ गई मेरी बिटिया रानी, ये भी तिलक लगवाएगी।
पूजा पाठ कर लीजिए। प्रसाद मैंने चढ़ा दिया। जय गंगा मैया की जय। आप लोगों ने कुछ फोटो भी लिए हैं, कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। इसी तरह मेरे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे भी बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एवरीवन।